नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी छात्राएं यहां पे इंटर पास करती हैं उनको यहां पे 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से यहां पे मिलता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे में आप लोग को जो है 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। लेकिन यहां पे जो है उसके अलावा, यानी कि जो 25,000 आप लोग का मिला है उसके साथ साथ जो है दोबारा आप लोग वहां पे पैसा दिया जाता है, जो कि आप लोग का मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मिलता है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए आप लोग को फिर से यहां पे दिया जाएगा, यानी कि दोबारा आप लोग को 15,000 रुपए यहां पे मिलने वाला है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन वो भी आप लोग यहां पे शुरू कर दिया गया है। अब इसमें जो है आप लोगों को किस तरीके से आवेदन करना है, किनको किनको यहां पे लाभ मिलेगा और किस तरीके से लाभ दिया जाएगा, सब कुछ मैं आप लोग यहां पे बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पे इंटर पास छात्राएं हैं तो ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो यहां पे होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना है क्या और किस तरीके से लाभ मिलता है। तो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दोस्तों यहां पे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं होती हैं उनको यहां पे जो है लाभ दिया जाता है, यानी कि उनको यहां पे पैसा दिया जाता है। और जो आप लोगों को 25,000 रुपए यहां पे प्रोत्साहन राशि पहले मिला है उसके अलावा जो है, यानी कि उसके बाद जो है दोबारा आप लोगों को पैसा 15,000 रुपए यहां पे दिया जाता है। और यहां पे बहुत सारे छात्राएं हैं जो यहां पे आवेदन नहीं करते हैं, 25,000 ले लेते हैं और उसके बाद यहां पे आवेदन नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको यहां पे लाभ नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को 100% आवेदन करना है। लिस्ट किस तरीके से चेक करना है कि आपका भी नाम उसमें है या फिर नहीं है और किनको किनको यहां पे लाभ मिलेगा, उसका लिस्ट भी आप लोगों को यहां पे जारी होता है। तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को यहां पे चेक करना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है। तो अगर आप यहां पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां पे आवेदन भी कर पाइएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, मैं आप लोगों को यहां पे पूरा जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी छात्र यहां पे जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उनको यहां पे पता चल सके, बहुत सारे लोगों को यहां पे जानकारी मिल सके। और साथ में हम जो है आपके लिए इसी तरीके का जो वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। चलिए हम आप लोगों को यहां पे बताते हैं कि लिस्ट आपको किस तरीके से चेक करना है, आवेदन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप लोगों को यहां पे लाभ मिलने वाला है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए और इसका लिस्ट चेक करने के लिए कि इसमें आपका नाम है या फिर नहीं है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना। अब यहां पे आप लोगों को करना क्या है, सर्च का ऑप्शन है मेधावृत्ति लिखकर जो है आपको सर्च करना है। जैसे आप यहां पे सर्च कीजिएगा कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है वहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2023 ऑनलाइन अप्लाई, यहां पे आप लोगों को जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को पोस्ट यहां पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिलेगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, नीचे आना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारा जानकारी दे रखा है, इस योजना के बारे में फुल जानकारी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप एक बार जो है इसको देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में आप लोगों का क्या क्या लगने वाला है वो भी यहाँ पे बताया गया। आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख पाओगे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, क्लिक आप क्लिक कीजिएगा तो मेधासॉफ्ट का जो वेबसाइट है वो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मेधासॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसी वेबसाइट पे आप लोगों का जो लिंक है 2023 के लिए यहां पे एक्टिव किया गया है। नीचे आइएगा तो यहां पे देखिए आप लोगों को देखने को मिल जाता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति +2, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पे आप लोगों को करना क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पे जो है फर्स्ट और सेकंड डिवीजन दोनों को लाभ मिलता है, इस बात का भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट यहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है अपना लिस्ट में नाम चेक करना है कि आपका नाम इसमें है या फिर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन दोनों को मिलता है। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, नीचे आप लोगों को आना है, यहां पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, यहां पे देख पाओगे आप लोगों को बहुत सारा जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट लिस्ट फॉर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट यहां पे ओपन होगा और यहां पे जो है आप लोगों का पूरा लिस्ट दिया गया, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सभी का लिस्ट दिया गया है, कितने छात्रों का यहां पे नाम है, टोटल स्टूडेंट का नाम है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट का यहां पे नाम है और पेंडिंग कितना पड़ा हुआ है वो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो है आप लोगों का हाल फिलहाल में यहां पे जो है आवेदन शुरू किया गया है तो बहुत ही कम छात्र यहां पे आवेदन किए हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनना है। मान लीजिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो जमुई पड़ता है, तो जमुई हम यहां पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट यहां पे ओपन होगा। नीचे यहां पे देख पाओगे आप लोगों का जो है स्कूल का नाम देखने को मिल जाता है, जो भी +2 स्कूल कॉलेज होगा सारा आप लोगों का जो लिस्ट है वो आपके जिले का यहां पे देखने को मिल जाएगा और आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आप लोगों का जो स्टूडेंट का है, टोटल स्टूडेंट यहां पे देखने को मिलेगा, इस स्कूल में जो कितने स्टूडेंट है जिनको यहां पे लाभ मिलने वाला है। अब मान लीजिए कि यहां पे देखिए आप लोगों को जो है बालिका हाई स्कूल झाझा जमुई यहां पे देखने
देखने को मिल रहा है। इसमें 48 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें कि 2 स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और 46 स्टूडेंट जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 46 जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का पूरा लिस्ट जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे आप लोग का जो है कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना जो नाम है उसको यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे पूरा आप लोग को नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट का जो है नाम आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप अपने स्कूल के हिसाब से अपना नाम जो है एक बार चेक कीजिएगा, अगर इसमें आप लोग का नाम रहता है तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे आप लोग का नाम चेक नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा होता है कि एक ही नाम के जो 2-3 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्च पे आपको क्लिक करना है, तो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा कि आप लोग का आवेदन होगा या फिर नहीं होगा। और अगर यहाँ पे आप लोग का कुछ भी डिटेल शो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आप लोग का आवेदन नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे शो करेगा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पे शो करता है कि आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन करना है। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए करना क्या है, फिर से आप लोग को होम पे आना और यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पे देखवाओगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे इंतजार करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग का ओपन होगा, आपको करना क्या है, इन तीनों को आप लोग वहाँ पे टिक करना है, 3 बॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आप लोग का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है वो मैं आप लोग वहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से आप लोग का फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख पाओगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल ओनली फॉर बीएससीबी 12th पास स्टूडेंट ऑफ 2023, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। आपको नीचे करना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी आपका कौन सा जिला पड़ता है वो आप लोग वहाँ पे बताना है। मान लीजिए मेरा जो यहाँ पे जम्मू सेलेक्ट करते हैं या फिर जो भी आपका जिला होगा सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना फुल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी स्टूडेंट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर स्टूडेंट का फुल नेम आप लोग को लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम आप लोग को लिखना है, मदर्स नेम आप लोग को लिखना है, कितना नंबर 12th में आया हुआ है। मान लीजिए कि 325 नंबर आया हुआ है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा इस तरीके से। कैटेगरी कौन सा है, एससी है या फिर एसटी है, जो भी आप लोग का रहेगा वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर आप लोग को डालना है। फिर यहाँ पे मैरिड में आप लोग का नो रहेगा, इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नीचे आप लोग का आधार में जो नाम होगा वो नाम डालना है। फिर जेंडर फीमेल ऑटोमेटिक रहेगा, आधार नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में वो आप लोग वहाँ पे डालना है और वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग वहाँ पे आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब आधार वेरीफाई होने के बाद आप लोग का अगला स्टेप है कि आप लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई विथ ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आप लोग वहाँ पे वेरीफाई करना है। ये ग्रीन आप लोग वहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सेम आप लोग वहाँ पे अल्टरनेट यानी कि एक और मोबाइल नंबर डालना है, आप लोग को जो है 2 मोबाइल नंबर डालना है, इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिएगा, वेरीफाई विथ ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा, आप लोग के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है और सबमिट कीजिएगा तो आप लोग का वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप लोग का सेम ईमेल आईडी में भी ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपका ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसको आपको डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जब सबमिट कीजिएगा आप लोग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग का 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहला तो यहाँ पे आप लोग का जो है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, साथ में आप लोग का जो मार्कशीट होगा वो मार्कशीट आप लोग को स्कैन करके रख लेना है, और अपना जो आधार कार्ड होगा उसका भी एक स्कैन कॉपी आप लोग वहां पे रख लेना है, और तीनों आप लोग वहां पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप लोग वहां पे सबमिट करना है। जैसे आप यहां पे सबमिट करते हैं आप लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लोग वहां पे इंतजार करना है कुछ दिन, क्योंकि यहां पे जो है आप लोग का जब रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर आप लोग का वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग का वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसके माध्यम से आप लोग वहां पे लॉग इन करना है। करने के बाद यहां पे आप लोग का जो फॉर्म है उसको वहां पे फाइनलाइज करना है। जब भी आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा तो आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो अपना एप्लीकेशन है उसको फाइनलाइज कर लेना है, फाइनल सबमिट कर देना है, नहीं तो आप लोग का जो आवेदन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग को मेधावृत्ति योजना के लिए आवेदन करना है। मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहां पे बता दिया है। अगर फिर भी कुछ परेशानी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पे जानकारी देने का। बाकी मैंने आप लोग को वहां पे सारा जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।